सो व्हाट्सअप गाइस, आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आ चुके फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ। सो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कुछ इस प्रकार का अपने फोटो को ब्लैक टोन में एडिट करना। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इस प्रकार की फोटो एडिटिंग हम आपको सिखाएंगे लाइटरूम आपकी सहायता से किस प्रकार कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग के बारे में कोई दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। सो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके अपने फ़ोन के गैलरी पे। तो आपको गैलरी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या, एक फ़ोटो को ले लेना है जिसको आपको एडिट करना है। तो आज हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं। सो फ्रेंड, तो इस फोटो को एडिट करने के लिए आपको पता ही होगा कि आपको इस फोटो को शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। आप जिस एप्लीकेशन से फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन में आपको शेयर करना है। हम आपको सिखाएंगे लाइटरूम की सहायता से डार्क टोन यानी ब्लैक टोन फोटो को एडिट करना। तो आपको करना क्या है, लाइटरूम में अपने फोटो को शेयर करना है। शेयर करने के लिए आपको लाइटरूम वाले ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो डायरेक्ट लाइटरूम में शेयर हो जाएगा। तो आपको एक बार में नहीं होगा तो आपको फिर से वही सेम सेटिंग करना है। आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको लाइटरूम पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऊपर की साइड के नोटिफिकेशन आएगा। तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है तो आपको फिर से एक और बार ट्राई करना है। आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको लाइटरूम ऐप पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, फाइनली हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ इस प्रकार का, लाइटरूम फॉर सैमसंग पे। तो आपको उस नोटिफिकेशन पर टाइप करना है। जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपका फोटो डायरेक्ट लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर हो चुका है। तो आपको फोटो पर टाइप करना है। जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपके सामने एडिटिंग के ऑप्शन भी खुल जाएंगे। सो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, सबसे पहली सेटिंग अपने फोटो में लाइट को एडजस्ट करना है। तो लाइट को एडजस्ट करने के लिए आपको लाइट वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे नीचे आना है, स्क्रॉल करके जो ब्लैक्स का ऑप्शन है इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना। आपको -30 करके रख लेना है और ये जो व्हाइट का ऑप्शन इसको को थोड़ा सा प्लस कर देना है, 24 करके रख लेना है। और ये जो ऊपर के साथ जो शेडो का ऑप्शन है इसको को थोड़ा सा प्लस कर देना, ताकि आपका फोटो थोड़ा व्हाइट हो सके, HD में दिख सके। और जो हाईलाइट का ऑप्शन है इसको आपको माइनस की ओर कर देना, माइनस आपको 42 करके रख लेना है। सो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारे फोटो में लाइट एडजस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या, आपको अपने फोटो में कलर को ग्रेडिंग करने के लिए आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए कलर वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या, जो सबसे ऊपर टेम्परेचर का ऑप्शन इसको को थोड़ा सा प्लस करना है, आपको 12 करके रख लेना है। और जो उसके नीचे आना है आपको वाइब्रेंस आने, अपने थर्ड वाले ऑप्शन पे वाइब्रेंस का ऑप्शन है इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है, आपको 11 करके रख लेना है। तो दोस्तों, अब आपको करना है कि अपने कलर को मिक्स करने के लिए आना है आपको मिक्स वाले ऑप्शन पे। मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ह्यू, सेचुरेशन, लुमिनस, कुछ इस प्रकार के नोटिफिकेशन खुल जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अपने फेस को कलर को सिलेक्ट करना है। तो फेस को कलर को आपको पता ही होगा, आपको ऑरेंज टोन को सिलेक्ट करना है, आपको इस कलर को सिलेक्ट करना है। चलिए इस कलर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो आइएगा आपको बीच वाला ऑप्शन है सेचुरेशन का, इसको आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है। देख सकते हैं हमारा फेस, हम दिखा सकते हैं आपको, जूम करके देख सकते हैं। जैसे ही माइनस कीजिएगा तो आपका फोटो कुछ इस प्रकार व्हाइट हो जाएगा। और जैसे ही जो नीचे लुमिनस का ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा भी प्लस कीजिएगा तो आपका फेस में ब्राइट आ जाएगा, आपको फेस में व्हाइट टोन आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे फेस में व्हाइट टोन ने अपनी फेस को कलर को सेटिंग कर चुका हूँ। अब आपको करना क्या, अपने फोटो को दूसरे कलर को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट कलर को आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके सेचुरेशन को आपको पूरा माइनस की ओर कर देना है और आपको नेक्स्ट कलर को सिलेक्ट करना है, ग्रीन कलर को। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसका भी सेचुरेशन आपको पूरा माइनस की ओर कर देना है। तो दोस्तों, आपको फिर से नेक्स्ट कलर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका भी सेचुरेशन आपको माइनस कर देना है, इसका ह्यू को आपको प्लस कर देना है। आपको कुछ इस प्रकार का दोनों ह्यू 100 और सेचुरेशन -100 रख लेना है। फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ से अपने फोटो को डन करना है। चलिए डन करते हैं। डन करने के बाद आपको करना है कि अपने फोटो को थोड़ा सा
और डार्क टोन देने के लिए आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, सबसे ऊपर जो टेक्सचर का ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है। चलिए हम प्लस करते हैं, आपको 14 करके रख लेना है। और उसके नीचे जो क्वालिटी का ऑप्शन है इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस करना है, आपको थोड़ा कुछ इस प्रकार का 21 करके रख लेना है। उसके नीचे जो DH का ऑप्शन है इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस कर लेना है, प्लस आपको 17 करके रख लेना है। और जो ये विग्नेट का ऑप्शन है इसको आपको जैसे ही आप माइनस कीजिएगा, आप देख सकते हैं माइनस कीजिएगा तो आपके सामने कुछ डार्क टोन आएगा, जो प्लस कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का व्हाइट टोन आएगा। तो व्हाइट टोन आपको सही नहीं लग रहा है तो हम डार्क टोन ही करने वाले हैं। आपको 14 आपको 56 करके रख लेना है, -56 करके रख लेना है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो नीचे यह मिड पॉइंट का ऑप्शन है इसको आपको माइनस की ओर करना है, माइनस की ओर अपने फेस के यानी अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे फोटो में अब इफेक्ट का काम हो चुका है। अब आपको करना है कि अपने फेस को स्मूथ करने के लिए आपको डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। सबसे ऊपर जो शार्पनिंग का ऑप्शन होगा उसको आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है, आपको 15 करके रख लेना है। और जो नीचे आइएगा जो डिटेल का ऑप्शन दिखेगा आपको पूरे 100 कर देना है। देख सकते हैं हमारा 100 हो चुका है। और जो उसके जस्ट नीचे मार्किंग का ऑप्शन आएगा इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है, आपको 38 करके रख लेना है। और जो नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन है इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है, आपको 19 करके रख लेना है। और जो डिटेल का ऑप्शन है इसको पूरा 100 कर देना है। एक कलर नॉइज रिडक्शन है इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस करके आपको 9 रख के, और जो ये नीचे दोनों ऑप्शन है दोनों ऑप्शन को आपको 100 की ओर कर देना है, आपको दोनों ऑप्शन को 100 कर देना है। तो दोस्तों हमारे फोटो में डिटेल भी ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं ना फोटो कुछ इस प्रकार का रेडी में हो चुका है। अब आपको करना है कि अपने फोटो में थोड़ा सा ब्लर पार्ट बच गया है तो उसको रिमूव करने के लिए जो ऑप्टिक्स का ऑप्शन है ऑप्टिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और ये जो दोनों ऑप्शन ऑन ऑफ है इस दोनों ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। तो फाइनली दोस्तों हमारा फोटो बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इस फोटो को सेव करना है। तो दोस्तों इस फोटो को सेव करने के लिए आपको यहाँ जो शेयर का आइकन है शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो सेव टू डिवाइस का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो लाइटरूम से गैलरी में सेव हो जाएगा। चलते हैं अपने गैलरी पे। तो दोस्तों हमारा फोटो लाइटरूम से गैलरी में सेव हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस प्रकार का HD में सेव हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।